पूरी दुनिया में वर्ल्ड टॉयलेट डे यानी विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। साल 2001 से इसे मनाने की शुरुआत विश्व शौचालय संगठन द्वारा की गई। 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे आधिकारिक तौर पर विश्व शौचालय दिवस घोषित कर दिया गया था। इस दिन को मनाने का कारण ये है कि ये दिन लोगों को विश्व स्तर पर स्वच्छता को रखने में आने वाली मुश्किलों से निपटने के लिए प्रेरित करता है। आइए अब वर्ल्ड टॉयलेट डे यानी कि विश्व शौचालय दिवस की थीम के बारे में समझ लेते हैं। तो हर साल एक थीम रखी जाती है। साल 2019 में इसकी थीम रखी गई थी लीविंग नो वन बिहाइंड। 2020 में इसकी थीम रखी गई है सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। आइए अब वर्ल्ड टॉयलेट डे के उद्देश्य को समझ लेते हैं। हमारे देश में भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत जगह जगह शौचालय बनाए गए हैं और लोगों को खुले में शौच ना करने और शौचालय का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। शौचालय के इस्तेमाल से हमारा जीवन सुरक्षित रहता है। शौचालय का इस्तेमाल करने से कई बीमारियों के प्रसार को रोका जा सकता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व में सभी लोगों को 2030 तक शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाना है। ये संयुक्त राष्ट्र के 6 सतत विकास लक्ष्यों का भी हिस्सा है। आइए अब वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व शौचालय संगठन क्या है इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर विश्व शौचालय संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संस्था है। ये संगठन स्वच्छता और शौचालय की स्थिति में सुधार के लिए पूरी दुनिया में काम करता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 4.2 अरब आबादी को आज भी ठीक से शौचालय उपलब्ध नहीं है। वो गंदगी में रहने को मजबूर हैं। और इसके साथ ही 67.3 करोड़ आबादी खुले में शौच करने से आज भी मजबूर है। आशा करते हैं आपको विश्व शौचालय दिवस से जुड़ी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें जागरणजोश.com।